इन द नम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिस द मोस्ट मर्सीफुल आई एम प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे आज मैं आपको विकेबलरी फार्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट वन का सीज उस पढ़ाने जा रहा हूँ यूजेज उर्दू तर्जमे के साथ नंबर थ्री है फार्मेषन ऑफ एजेक्टिव फ्राम नाउन्स यानी नाउंस से एजेक्टिव किस तरह बनाए जाते हैं हम यही सीखेंगे एजुकेशन नाउन है एजुकेशनल एजेक्टिव वी शुड गेट एजुकेशन ये नाउन है एजुकेशन हमें तालीम हासिल करनी चाहिए दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल ये एक तालीमी चैनल है यहाँ पे एजुकेशनल एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस हैप्पी हैप्पीनेस नाउन है और हैप्पी एडजेक्टिव। आई फील हैप्पीनेस इन हेल्पिंग अदर्स मैं औरों की मदद करने में खुशी महसूस करता हूँ आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ ब्यूटी नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बेहोल्डर खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है ब्यूटीफुल थिंग्स आर अट्रैक्टिव यानी खूबसूरत चीज़ें पुरश होती हैं हेल्प नाउन है और हेल्पफुल एडजेक्टिव आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प मैं आपकी मदद के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ गुड पीपल ऑलवेज और आलवेज़ हेल्पफुल अच्छे लोग हमेशा मददगार होते हैं रिस्पेक्ट नाउन है और रिस्पेक्टफुल एजेक्टिव इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर्स दे वस्पेक्ट यू अगर आप औरों की मदद इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे डिफिकल्टी नाउन है और डिफिकल्ट एजेक्टिव ही फील्स डिफिकल्टी इन स्पीकिंग वो बोलने में दुश्वारी महसूस करता है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स उसके लिए कुछ अल्फाज बोलना मुश्किल काम है नेसेसिटी नाउन है और नेसेसरी एडजेक्टिव नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन ज़रूरत ईजाद की माँ है प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग सीखने के लिए अमल लाजमी है एक्टिविटी सरगर्मी है और एक्टिव सरगर्म यानी नाउन एक्टिविटी और एक्टिव एडजेक्टिव इन्वॉल्व योर सेल्फ इन लर्निंग एक्टिविटी अपने आप को सीखने की सरगर्मी में मुलविस करें यानी मश्क में मुलविस करें आफ्टर एक्टिविटीज़ यू विल बिकम एक्टिव सरगर्मियों के बाद आप सरगर्म हो जाएंगे यानी चुस्त हो जाएंगे नंबर फोर फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्राम एजेक्टिवस यानी एजेक्टिव से एडवर्ब्स किस तरह बनाए जाते हैं जैसे एजुकेशनल ऑजेक्टिव है और एजुकेशनली एडवर्ब इनका इस्तेमाल कैसे होगा डू वॉच एजुकेशनल चैनल्स फॉर लर्निंग सीखने के लिए ताली चैनल देखा करें यू कैन नाट सक्सीड इफ़ यू आर एजुकेशनली बैकवर्ड अगर आप तली लिहाज से पसमानदा हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते यानी अगर आप पसमानदा होंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैप्पी खुश और हैप्पीली खुशी से आवर पेरेंट्स वॉन्ट टू सी एस हैप्पी हमारे वालदेन हमें खुश देखना चाहते हैं वैन वी गो टू देम दे ग्रीट अस हैपीली जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें वो ख़ुशी से खुश आमदेद कहते हैं रेडी तैयार और रेडीली जल्दी से ही गॉट अप एंड सेड दैट ही वॉज रेडी टू गो अहेड वो उठा और उसने कहा कि वो आगे जाने के लिए तैयार था ही रेडीली गेव मी ऑल द मनी ही हैड उसने जल्दी से वो सारे पैसे जो उसके पास थे मुझे दे दिए When आई जस्ट आस्ट हिम इफ़ ही हैड एनी जब मैंने फ़कत उससे पूछा कि उसके पास कोई पैसे थे सैड adjective है और सैडली adverb। ही इज़ वेरी सैड बिकॉज ऑफ हिज फेलियर वो अपनी नाकामी की वजह से बहुत गमगीन है ही सैडली सैडली कन्फेस्ड दैट ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज़ केयरलेसनेस उसने अफसोस के साथ एतराफ़ किया कि वो अपनी लापरवाही की वजह से नाकाम हुआ ड्यूटीफुल एजेक्टिव है और ड्यूटीफुली एडवर्ड शी इज़ अ ड्यूटीफुल लेडी वो एक फ़र्ज शनास खातून है दे कम्प्लीटिड देर टास्क ड्यूटिफुली उन्होंने अपना काम फ़र्ज शनासी से मुकमिल किया प्रैक्टिकल जेक्टिव है और प्रैक्टिकली एड वर्ब लैंग्वेज आर क्वाइट प्रैक्टिकल यानी जबाने बहुत अमली होती हैं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुंट यू विल बिकम यानी आप जितना ज़्यादा अमल करेंगे इतने ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे यानी जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे इतने ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे यू कैन लर्न वेल इफ़ यू आर प्रैक्टिकली Involved इन in something. आप अच्छी तरह सीख सकते हैं अगर आप किसी चीज़ में अमली तौर पर मुलविस होंगे इसका मतलब है कि उसकी मशक करेंगे ड्रामेटिक एडजेक्टिव है और ड्रामेटिकली एडवर्क आई वॉज सरप्राइज एट हिज ड्रामेटिक चेंज उसकी अचानक तब्दीली पर मुझे हैरत हुई यहाँ पे ड्रामेटिक यानी अचानक ड्रामे जैसी आ ही ड्रामेटिकली स्लिप्ट अवे लिविंग अ सलॉन वो ड्रामाई अंदाज में हमें अकेला छोड़ कर चला गया स्पेशल ऑब्जेक्टिव है और स्पेशली एडवर्ड ईद इज़ अ स्पेशल ओकेजन फॉर आल ऑफ़ अस टू एक्सचेंज बेस्ट विशेज़ ईद हम सब के लिए एक ख़ास मौका होता है अच्छी ख्वाहिश का तबादला करना करने के लिए We specially say Eid greetings to our near and dear ones. Hum khas apne kareebi aur Eid Mubarak kehte I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this. And press the bell icon for, for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.